गरियाबंद में जिला खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन रोकने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत अब रेत माफियाओं पर रेत के अंधेरे में भी जिला प्रशासन का अमला कार्रवाई करेगा। दरअसल जिले में ज्यादातर अवैध खनन रेत में होता है और इसलिए विभाग ने रात्रिकालीन गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गश्त के दौरान पुलिस जवानों को भी प्रशासन की टीम के साथ मौजूद रहने को कहा गया है, ताकि टीम की सुरक्षा हो सके। यही नहीं, अवैध परिवहन करते वाहनों पर चालान भी कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके अनुसार पहले जिस गाड़ी का 8,000 का चालान होता था, अब उसी गाड़ी का लगभग 30,000 रुपए का चालान करने की रणनीति बनाई गई है। अब देखना होगा कि इस नई कवायद से अवैध रेत खनन रुकता भी है या फिर नहीं। जो भी अवैध परिवहन उत्खनन कर रहा है उन पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माने की राशि भी उनसे अधिक वसूलेंगे। वो मात्रा और उसके जो उस पर निर्भर है, केस के ऊपर निर्भर है। तो सुरक्षा के लिहाज से गश्त के दौरान पुलिस बल भी साथ अब रहेगा, क्योंकि अवैध परिवहन में तमाम सारे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, खनन माफिया सक्रिय हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जो अवैध खनन है वो निरंतर जारी है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन भरपूर प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास कितने सफल साबित होते नजर आ सकते हैं आगामी वक्त में, या अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये प्रयास की बात जो है, दावे जो बड़े बड़े पहले भी विभाग जो करती रही है, लेकिन वो दिखता नहीं था। लेकिन रविवार की रात जब खनिज विभाग की टीम के टीम पर जो है, जो माफिया है उनके लोग है, वो हमला कर दिया था, यहाँ तक कि एक अधिकारी के ऊपर गाड़ी भी चलाने के चढ़ाकर मारने का भी प्रयास किया गया था। राजिम थाने ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी है अब। लेकिन इसके बाद जो है, जो खनिज विभाग के अफसर हैं, एक नीति बना लिया है और कड़ाई से कार्रवाई करने की रणनीति बनाई है, जिसमें ये था कि पहले जो 8,000 का मिनिमम चालान काटा जाता था। आपको बता दें कि अब तक 150 से भी ज्यादा हाईवा को पकड़कर कार्रवाई किया गया है, लेकिन वही हाईवा फिर से जो है उसमें सड़कों पर दौड़ती नजर आती है, फिर से रेत अवैध खनन करते नजर आ रही थी, लेकिन अंकुश नहीं लग रहा था। अब जो है 8,000 का जो चालान है उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 32,000, 30 से 32,000 कर दिया गया है, ताकि एक बार में ही उनकी जो आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ी जा सके और इस पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा जो है गश्ती की टीम के साथ जो है संयुक्त बल राजस्व के अधिकारी भी रहेंगे, पुलिस की फोर्स भी साथ में ले जाना होगा इनको, ताकि वहां पर किसी प्रकार जानकारी के लिए पूछता।